उनके यहाँ नेतागण और इस सभा में उपस्थित सबसे पहले तो आदरणीय सरदार यादव जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि आप सब ने हमें यहाँ आमंत्रित विरासत कार्यक्रम आज की आवश्यकता है। आज की आज देश इस दौर से गुजर रहा है। यदि आज मैं कह सकता हूँ कि आज खतरे में आज देश में जिनकी सरकार चल रही है वो इस देश के संविधान को मानता है ना वो देश की कानून को मानता है। देश की संविधान और कानून की ओर धज्जियां उड़ा रहे। जिस प्रकार संविधान को मान रहा है ना वो कानून को मान रहा है। और इसलिए आज जरूरत है कि हमें इस देश की संविधान की रक्षा करनी है, लोकतंत्र की रक्षा करनी है, देश की साझा विरासत की हमें रक्षा करनी है। आज देश के अंदर में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी समान हो। अब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहीं रह नहीं गई है। आपको वही बोलना है, वही लिखना है, वही दिखाना है जो उनको अच्छा लगता है, जो वो पसंद करते हैं। अगर उनको ये पसंद नहीं है और अगर आपने बोल दिया तो आप देशद्रोह हैं, आप राष्ट्र विरोधी हैं। ये बहुत बड़ी संख्या है। लेकिन अंदाज में हम जब स्वतंत्रता को जनसिद्ध अधिकार जहां हम कहते थे, आज तो वही संकट में पड़ा हुआ है। और इसीलिए आज जरूरत है हमें मिल करके आज देश की जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसको हमें बनाए रखना। जब तक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं रहेगी व्यक्ति तरक्की नहीं कर सकता है, देश तरक्की नहीं कर सकते, हम प्रगति नहीं कर सकते। आज तो देश की हालत ऐसी बद से बदतर होती जा रही है। हमें क्या बोलना है, क्या लिखना है, क्या दिखाना है वो तय करेंगे। आज हमें किस कहाँ हमें क्या खाना है वो तय करेंगे। हमें किससे प्यार करना है वो तय करेंगे। पहले देश की जो ये स्वतंत्रता है वो धीरे धीरे समाप्त हो रही, इसको समाप्त करने पर लगी हुई है। हम जिस राज्य से आते अभी अभी वहां सरकार ने नाम तो देते हैं कि धर्मांतरण धर्म स्वतंत्रता विधायक, लेकिन उसकी भी उन्होंने समाप्त कर दी। आप तो ये तय करेंगे कि भाई आप कौन सी उपासना पद्धति, कौन सी भगवान को मनाएंगे। ये सत्ता में बैठे हुए बीजेपी वाले तय करेंगे कि आपकी स्वतंत्रता कहाँ है, देश की स्वतंत्रता कहाँ है, संविधान कहाँ है। देश से कुछ मानते नहीं है। और इसलिए आज ये साझा विरासत की आज ये जरूरत है हमें देश की संविधान की हिफाजत करना है। हमें इस लोकतंत्र को बचानी है, तभी ये देश आगे बढ़ सकता है, तभी देश की तरक्की कर सकता है। आज इसकी बातें वो बड़े बड़े करते हैं, बातें वो अच्छे करते हैं, लेकिन काम वो सब गड़बड़ करते हैं। इसलिए हमें इस बात को समझनी चाहिए क्या जितनी वो ऊंची ऊंची बातें करते हैं, जितनी वो संस्था साथ सबकी विकास की बातें करते हैं, लेकिन वो हकीकत में वो नहीं है। वो सबके विकास के वो काम नहीं करते, काम वो दूसरे लोगों का करते। आज वो किसानों की क्या हालत है, कर रहे थे। अब किसान है, मजदूर है, गरीब है, आदिवासी है, दलित है, अल्पसंख्यक है, किस प्रकार से लोग रह रहे हैं, सरकार को उसकी चिंता नहीं है। आज तो गाँव घर में जो गरीब रहते हैं उनके बच्चे कैसे पढ़ेंगे, सरकार को उसकी कोई चिंता नहीं है। आज उनके बच्चे कैसे अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे वो भी उनके लिए आज मुश्किल है। उसकी उनको चिंता नहीं है, किस प्रकार से वो आगे बढ़े उसकी उनको चिंता नहीं है। आज अगर गांव घर में लोग बीमार हो गए उनकी इलाज कैसे होगी उनकी उनको चिंता नहीं है। उनको तो सिर्फ चिंता है इस देश के चंद जो कॉर्पोरेट घराना है उनकी वो चिंता है। सुबह से शाम तक उसके लिए कानून बनाते हम जिस प्रदेश से आते हैं झारखंड से, वहां रोज देखते हैं बीजेपी की सरकार वहां क्या कर रही है। इसलिए भाई और बहनों, आज शौर्य ने हमें इस देश की हिफाजत करने की, लोकतंत्र की हिफाजत के लिए, संविधान के बचाने के लिए हम सब लोगों का मिल करके इस देश में हमें ऐसी शक्ति को हमें आत्मस्थ करना है, उसके लिए हमें एकजुट होना है। और उसके प्रयास आज यहाँ शरद जी ने शुरू किए। उस प्रयास के साथ हम सब लोग हैं और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि पूरे झारखंड की जनता, पूरे देश की जनता और सबसे जो आदिवासी है इस सरकार में, वो आदिवासी क्षेत्रों में खदाने, आदिवासी क्षेत्रों में खनिजे, उनको कोई अधिकार नहीं मिलता, लेकिन वहां से लोगों को उड़ाए जाते विकास के नाम पर। कहीं बड़े बड़े ढेर बना करके, कहीं खदान खोल करके, कारखाने खोल करके उनकी जमीनें जाते, वो विस्थापित होते, वो उड़ाए जाते और न्याय मांगने के लिए जब जाते हैं तो उनके ऊपर गोलियां बरसाए जाते हैं, डंडे बरसाए जाते और आज वो हालत की ठोकरें खाते, कोई देखने वाला नहीं। और इसलिए मैं आज आपको विश्वास दिलाता हूँ, ये साथी विरासत में इस देश के आदिवासी समाज जुड़ करके एक साथ इस देश को आगे बढ़ाने में पहले भी करते रहे और आज भी साथ मिल करके काम करेंगे। इन सबों के साथ